संदीप चौधरी जी, बताइए ना, एक फ्रीडम फाइटर को अगर सम्मान से नवाजा जा रहा है, लॉन्ग टाइम ड्यू सम्मान से नवाजा जा रहा है, तो इसमें दिक्कत कैसी है? ये बांटने की कोशिश क्यों लग रही है आपको? अगर राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर यूनिवर्सिटी बनेगी तो इससे दिक्कत क्या है भाई साहब? समीर भाई, मैं अपनी बात कहूं? बोलिए। आप एक सीनियर पत्रकार हैं, ना तो मैंने आप रिकॉर्डिंग चलाकर दिखाई है, ना तो ये बात कही कि मुसलमान नाराज हो जाएगा, ना मैंने ये कही कि जाटों को प्रॉब्लम है इस चीज से। तो ये जो झूठ परोसा जाता है ना, ये इनके कहां से मिलकर कहां से मिलती है इनको? बांटने की कोशिश तो आपको नजर आई ना, इसके सामने नहीं, मैंने बताइए ना कि बांटने की कोशिश कैसे? अरे आप, अगर मैंने बांटना शब्द इस्तेमाल किया, आप रिकॉर्ड करके दिखाइए मुझे, चला ये रिकॉर्डिंग। मैंने ये कहा कि मानसिकता क्या है, मानसिकता की मैंने बात की है, इसके पीछे मानसिकता क्या है? अरे मैं तो चाहता हूँ शिक्षा पे काम होना चाहिए, मैं तो चाहता हूँ परशुराम की भी यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, मैं तो चाहता हूँ यूनिवर्सिटी बननी। क्या वजह है कि दिल से स्वागत नहीं कर पा रहे? नहीं, दिल से शिक्षा का दिल से स्वागत, शिक्षा का दिल से स्वागत करते हैं। और समीर भाई, मैं उस पार्टी से आता हूँ जिसके चौधरी चरण सिंह तारीफ मोदी जी भी करता है, मोदी जी ने एक शब्द उनके खिलाफ बोला, तो आप मुझे बताइए। हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन राजा महेंद्र प्रताप क्या होगा? अगर मैं चौधरी के लिए बात करने के लिए आपको किसानों की बात करनी पड़ेगी, कितने किसान मुझे ये बताइए। समीर भाई, आप मुझे ये बताइए, अभी भी समय है, आपको माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, मैं संदीप चौधरी जी सीधा सा सवाल आपसे पूछ लूं। संदीप चौधरी साहब, मैं सीधा सा सवाल पूछ लेता हूं, पिछले चुनावों में आरएलडी की जो दशा हुई, उसके बाद 2022 के चुनावों से एन पहले किसान आंदोलन का शुरू होना और उसके जरिए आरएलडी की एक उम्मीद बनना कि अब भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का हमको फायदा होगा, क्योंकि राकेश टिकैत बीजेपी के खिलाफ अब खुलकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं अलग अलग मंचों से। अब बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक के बाद आप लोगों को लग रहा है कि इसका नुकसान हो सकता है, दिक्कत हो सकती है आरएलडी को भी या बीजेपी विरोधी दलों को भी, इसलिए दिक्कत है? समीर भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही। सबसे पहले तो ये बता दूं, चुनाव हारी क्यों आरएलडी? आरएलडी इसलिए चुनाव हारी क्योंकि चौधरी चरण सिंह ने अपनी पार्टी को और अपनी पार्टी के नेताओं को झूठ बोलना नहीं सिखाया। अगर आरएलडी के नेता ये कहते सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, आरएलडी चुनाव जीत जाती। अगर आरएलडी के नेता ये कहते 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे, तो आरएलडी चुनाव जीत जाती। अगर आरएलडी के नेता ये कहते कि 1 रैंक 1 पेंशन की बात देश के सैनिकों से करते, तो आरएलडी चुनाव जीत जाती। लेकिन आरएलडी ने झूठ बोलना नहीं सीखा, झूठ की राजनीति करनी नहीं सीखी, झूठ के नाम पर वोट मांगना नहीं सीखा, इसलिए आरएलडी चुनाव हार गई। सच बोलने की वजह से हार गए आप लोग, ठीक है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।